सूरदास ने बाल वर्णन के संग ही उपालंब काव्य के रूप में कुछ पद लिखे हैं और उन पद के माध्यम से उन्होंने ज्ञान पर भक्ति की विजय को सहज ही रूप में बताने का सफल प्रयास किया है। उद्धव गोपी संवाद के रूप में ये पद प्रसिद्ध है, जिसे बाद में भ्रमर गीत सार नाम से संग्रहित किया गया। यदि प्रसंग की दृष्टि से देखने का प्रयास करें तो जिस प्रसंग की सृष्टि सूरदास ने की है वह है श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, कंस का वध करते हैं, राजपाट संभालते हैं और वहीं व्यस्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में गोपियां वृंदावन का प्रत्येक व्यक्ति बहुत दुखी है। कृष्ण को भी वृंदावन की याद आती है। एक दिन वह उदास बैठे होते हैं, इतने में उनका परम मित्र जो अपने आप को परम ज्ञानी भी समझता है वह वहाँ आता है और उन्हें उदास देखकर कहता है, आप तो परम ज्ञानी हैं, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता, प्रेम कुछ नहीं होता है, ये केवल आकर्षण है और आपको इस तरह दुखी नहीं होना चाहिए। तब कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के गर्व में डूबा हुआ मेरा मित्र मेरी बात को समझेगा नहीं, यह वह मन ही मन सोचते हैं, इसलिए क्यों नहीं इन्हें गोपियों के पास भेज दिया जाए और ये स्वतः ही देख लें कि गोपियों का प्रेम कैसा है और प्रेम क्या होता है। तब श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, मित्र आपकी बात मेरे समझ में बहुत अच्छे से आ गई है, मैं अब दुखी नहीं हूँ, पर गोपियाँ भी वृंदावन में बहुत दुखी हैं, आप जाकर यह बात अब वृंदावन में गोपियों को भी समझा दीजिए ताकि उनका भी कष्ट दूर हो जाए। उद्धव बड़े प्रसन्न होते हैं, सोचते हैं इतनी सी बात सहज ही मैं गोपियों को मैं समझा दूंगा और बड़े गर्व में भरे हुए वह वृंदावन पहुंचते हैं। दूर से देखने में कृष्ण जैसे लगने के कारण गोपियां और वृंदावन वासी सोचते हैं कि कृष्ण ही आए हैं, पर पास जाने पर पता चलता है कृष्ण नहीं उनके मित्र आए हैं और कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं। गोपियां एक स्थान पर इकट्ठी होती हैं, उस संदेश को प्राप्त करना चाहती है, छीना झपटी में संदेश फट जाता है। फिर होता है उद्धव और गोपियों का परस्पर वार्तालाप। उद्धव ज्ञान योग को वहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं, ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की बात कहते हैं, कृष्ण को भूल जाने की बात गोपियों से करते हैं। क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के मित्र हैं तो अपने प्रिय के मित्र का अपमान नहीं किया जा सकता, सीधे सीधे उनसे ऐसी कोई बात नहीं की जा सकती है, वह अभद्रता कहलाएगी, तो क्यों न इसे किसी दूसरे तरह से समझाया जाए। और कहा जाता है इतने में किसी एक गोपी के पांव पर आकर कोई भ्रमर बैठ जाता है, उस भ्रमर को ही माध्यम बनाकर वह गोपी अपना संदेश उद्धव को कहती है और उद्धव के माध्यम से कृष्ण को पहुंचाना चाहती है। ये है उद्धव गोपी संवाद प्रसंग। इसी प्रसंग को ध्यान में रखकर कई पद सूर ने लिखे हैं, उसी में से एक पद हम यहाँ व्याख्या की दृष्टि से समझने जा रहे हैं। पद है, उदो मन न भये दस बीस, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे इस, इंद्री शिथिल भई केसो बिन जू देही बिनु सीस, आशा लागी रहती तन स्वासा जीव ही कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश।
यहाँ पर अपनी एक निष्ठा कृष्ण के प्रति दर्शाते हुए गोपियाँ जो कुछ कह रही हैं उसी को प्रस्तुत किया जा रहा है। उद्धव को संबोधित करते हुए एक गोपी का बहुत स्पष्ट शब्दों में संदेश है। वह कहती है, उद्धव को संबोधित कर रही है, सीधे उसी के नाम का प्रयोग कर रही है और वह कहती है, उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, मन 10-20 नहीं होते, अर्थात एक व्यक्ति के हृदय में, एक व्यक्ति के शरीर में एक ही मन होता है और वह मन किसी एक को ही दिया जा सकता है। जब मन किसी एक को दे दिया गया है तो फिर दूसरे को नहीं दिया जा सकता। इस तरह गोपी यहाँ पर कहना चाहती है। गोपियों का आगे कथन है, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग के, हमारे पास तो एक ही मन था, एक ही मन होता है हर व्यक्ति के पास और वह मन तो एक हूँ तो मतलब था, सो वह गया, गया चला गया श्याम संग श्री कृष्ण के साथ चला गया है। को अवराधे इस, अब बताइए कि हम तुम जिस ईश्वर की बात कर रहे हो उस ईश्वर को, उस भगवान को किस मन से अवराधे मतलब उसकी आराधना करें, क्योंकि एक मन था, वह तो श्री कृष्ण के साथ जा चुका है। आगे वह कहती है, इंद्री शिथिल भई केशव बिन केशव के बिना श्री कृष्ण के बिनु बिना भई, मतलब हो गई है इंद्री शिथिल, हमारी जो इंद्रियां हैं हमारे शरीर के अवयव हैं ये पूरी तरह से शिथिल हो गए हैं, अर्थात इनसे अब कोई काम नहीं हो पा रहा है। जो देही बिन शीश, जिस तरह से देह के बिना शीश अर्थात सिर निष्क्रिय हो जाता है, उसी तरह से हमारा शरीर भी पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया है। आशा लागी रहती तन स्वासा, फिर भी हम जिंदा हैं और यह इसलिए है, आशा लागी रहती क्योंकि हमें आशा, आशा मतलब आशा, लागी मतलब लगी रहती रहती है, हमें यह आशा लगी रहती तन स्वासा, और उस आशा में क्या आशा लगी रहती कि एक दिन श्री कृष्ण अवश्य लौट कर आएंगे तन स्वासा, और उसी आशा में इस शरीर में श्वास चलता रह रहा है, जीव ही कोटि बरिस, और इस तरह से हम करोड़ों वर्षों तक जीवित बनी रहेंगी यदि हमें यह आशा बनी रहती है जो हमने बनाए हुए है कि श्री कृष्ण आएंगे, तो हम एक या करोड़ों वर्ष तक भी इस आशा में निष्क्रिय रहकर भी जीवित बनी रहेंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, आगे वे कहती है कि तुम तो सखा हो, मित्र हो, किसके? श्याम सुंदर के, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, सकल योग के इस और संपूर्ण योगों के ईश्वर अर्थात संपूर्ण योग को जानने वाले हो। तब ऐसी स्थिति में सूर हमारो नन नंदन बिन, सूरदास जी यहाँ पर गोपियों के शब्दों में कह रहे हैं कि तुम तो संपूर्ण योग के ईश्वर हो और श्री कृष्ण के मित्र हो, सूर हमारो नंदन बिन, परंतु गोपियाँ कहती हैं सूरदास के शब्दों में कि हमारा तो नंद बाबा के नंदन अर्थात श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, हमारी तो पूर्ण रूप से निष्ठा एकमात्र श्री कृष्ण के प्रति ही है, एक ही मन था, वह हमने उनको दे दिया है, अब हम किसी भी तरह आपके द्वारा बताए गए ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकती, उसकी आराधना नहीं कर सकती। कुल मिलाकर मूल रूप में जो कहना चाहती हैं गोपियाँ, वह कहना चाहती है हमारी पूर्ण एक निष्ठा पूर्ण भक्ति सगुण ईश्वर श्री कृष्ण के प्रति ही है। आप वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करें और लाइक भी।